अभी आज फिर वीडियो आ गई सलमा के खिलाफ। मुझे ये बताएं कि उसकी बेटियां जवान हो रही हैं, हमारी भी बेटियां जवान हो रही हैं, आपके घरों में भी बेटियां हैं, ये बच्चे जो देखेंगे ये चीजें कि हमारे अपने हमारे ऊपर ऐसे वीडियो बना रहे हैं, आपके और हमारे बच्चों में क्या फर्क है या उन पर आपके बच्चों पर या हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने जब अभी क्रश किया था तो अम्मा ने भी रिक्वेस्ट की, सिस्टर सतारा ने भी रिक्वेस्ट की, साजिद भाई ने रिक्वेस्ट की, हमारी बोली उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि सो प्लीज आगे बात अपनी फैमिली का किसी के ऊपर कोई भी वीडियो ना बनाए। ठीक है, तो मैं फिर भी बड़ा होकर आप सबके सामने हार मान रहा हूँ। देखिए मेरी माँ की हालत बहुत खराब है, वो एक बहुत बड़े हादसे से सदमे से नहीं निकली अभी, तो ये उसकी दोनों बेटियों का लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो आया इस मामले को और मत उछाले, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी माँ कुछ कर बैठे या मेरी बहनें कुछ कर बैठे। ठीक है, मुझसे फिर ये बर्दाश्त नहीं होगा। मैं आप सबके सामने हाथ बांध कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी फैमिली को जीने दो, आप भी जियो और हमें भी जीने दो। मैं किसी की माँ के ऊपर बात करूँ वो मेरी बहन के ऊपर बात करें, मैं किसी की बीवी के ऊपर बात करूँ वो मेरी बीवी के ऊपर बात करें, मैं किसी की बेटी के ऊपर बात करूँ वो मेरी बेटी के ऊपर बात करें, खुद माफ करें। अगर आप माफ नहीं कर सकते तो उसको छुपा दिया जाए, अगर आप छुपा भी नहीं सकते तो आप उसके खिलाफ इतना हो गए हैं कि हर बात पे हमारी फैमिली के ऊपर वीडियो बना के आगे बैठ जाते हैं, हमारी फैमिली के ऊपर इशू लेके आ जाते हैं। और फैमिली के ऊपर आप क्यों नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, क्यों, जो आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। आप पर इतनी कच्ची केरी खाई है, इतनी कच्ची केरी खाई है ना, बोल रही है जब तक आज मुझे कुछ हो नहीं जाता, आज मैं बेहोश बेहोश नहीं हो जाती तब तक मैं ये इमली खाती रहूंगी, क्यों? बस मेरी मर्जी, मुझे अच्छी लगती है। यार नहीं खाए, नहीं खाए, आपने पहले भी बहुत सारी खाई है, वैसे अच्छी बहुत लग रही है, मुंह में पानी आ रहा है।